खुद भी सीख लेना चाहता हूँ और जो लोग समाजवादी विचारधारा में यकीन रखते हैं, जिन्होंने बहुत खोया है, इस ज़िले ने, इस शहर ने जो खोया है वो इतिहास बना है। आज भी लोग जेलों में, आज भी लोग मुकदमे झेल रहे हैं, आज भी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। बर्बादी की एक ऐसी दास्तान लिखी गई है, अगर इस पर समाजवादी एकजुट नहीं होंगे तो बड़े नुकसान का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आज का दिन और आज का लिया हुआ संकल्प हम सब के लिए मिशन रहा है, इससे सबक लें और कुरीतियों को दूर करें, अच्छाई पैदा करें, लोगों के काम आए। किसी के पैर काटकर अपने कद को ऊंचा नहीं किया जा सकता। अपने कद को ऊंचा करने के लिए और कुछ बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। कुछ बनने के लिए एक ज़िंदगी चाहिए, वो दुख, वो तकलीफ़ें, वो गम चाहिए जो इस शहर ने झेले हैं, जो हमारे लोगों ने सहे हैं, जो आज भी सहे हैं, जो आज भी जेल की सीटों के बीच में, आज भी हज़र अली खान जेल में। ये अलग बात कि एक नकाब पोश महिला हमारे शहर को अच्छी नहीं लगी, ये जानते हुए कि उसका शौहर इसलिए जेल में है कि हमारे और उसके सहयोग से इस शहर को अगले 100 साल तक के पानी व्यवस्था का व्यवस्था बनाई गई, सीवर सिस्टम हुआ, इंटरलॉकिंग से गलियां और सड़कें सजाई गईं। यही तो जुर्म है उसका। लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि हम किस बात पर राय दे रहे हैं। अगर हम इतने बेहिस हो गए हैं कि मामूली मामूली फायदों के लिए अपने मोहसिनों को जेलें कटवाएं और हमारी सफों में खड़े हुए लोग धोखा और गद्दारी करें, तो ऐसी भीड़ से वो चंद लोग अच्छे हैं जो बदर में काम आ सके। आप सभी को और अखिलेश जी को ख़ास तौर से, उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये बात तो फर्जी है कि तुम जियो हज़ारों साल, जियो और ऐसी खुशहाल और इज्जत की ज़िंदगी जियो कि लोग आज भी याद रखें और जब इस दुनिया में न रहो तब भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।